नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं जो है आज का वीडियो लाया हूँ राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 6 यानी राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 6 लगती है उसका। तो दोस्तों, मैंने संस्कृत की वीडियो डालने का वादा किया था, लेकिन उस समय क्या एग्ज़ाम हो गए थे कक्षा 6 के, इसलिए मैं एक ही पार्ट का वीडियो डाल पाया था। लेकिन दोस्तों, अब इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों, RBSE क्लास 6 की संस्कृत का आज पाठ नंबर 2 रहेगा आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो दोस्तों, इसमें आकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा और पूरा पाठ के माध्यम से और प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगा। तो जो भी कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं या उनके टीचर्स हैं या गार्जियंस हैं, वो इस वीडियो को देखें और अपने बच्चों को इसका अनुसरण करें कि ऐसे आपको संस्कृत पढ़नी है। तो दोस्तों, वीडियो देखना है आपको शुरू से लास्ट तक, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिले पूरे पाठ की। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। देखिए दोस्तों, आकारांत पुल्लिंग शब्द द्वितीय पाठ है, ठीक है। सबसे पहले हमें चित्र दिखाया गया है, गणेश है यानी क्या, गणेश भगवान। सूर्य है, सूर्य भगवान। चंद्र है यानी चंद्रमा। वृक्ष है, पेड़, ठीक है। मेघ है यानी बादल। पर्वत है यानी पहाड़। मयूर है यानी मोर। कपोत है यानी कबूतर। काक यानी कौआ। सुक यानी तोता। हंस यानी हंस। कुकुट यानी मुर्गा। सिंह यानी शेर। गजा यानी हाथी। भालुका यानी भालू। अगले में चलते हैं, फिर दिया गया उष्ट्र है, उष्ट्र यानी ऊँट। अश्व यानी घोड़ा। वृष यानी बैल। हिरण्य यानी हिरण। गृदवा यानी गधा। मेष यानी भेड़। बिडाल यानी बिल्ली। मुस्क यानी चूहा। सर्प यानी सांप। मीना यानी मछली। मकर यानी मगरमच्छ। मंडूका यानी मेंढक। कछुआ यानी कछुआ। चस्का यानी खरगोश। और कुकुर यानी कुत्ता। फिर दिए गए हैं, अध्यापक है यानी अध्यापक। छात्र यानी छात्र। कृषक यानी किसान। चिकित्सक यानी चिकित्सक। शौचक यानी दर्जी। रजक यानी धोबी। सैनिक यानी सैनिक। कुंभकार यानी कुम्हार। क्रीडका यानी खेलता हुआ बालक। विद्यालय यानी विद्यालय। आपना यानी बाजार। देवालय यानी मंदिर। घटा यानी घड़ा। चमचा यानी चम्मच। कंसा यानी कांसे की बाटकी या कटोरी। अब देखो इनको प्रयोग किया गया है, बालक है यानी एक बालक। बालकौ दो बालक। बालकः तीन बालक। गज एक गज। गजो दो बालक, दो गज। गजा तीन, दो से अधिक। कपोत है एक कबूतर। कपोतो दो कबूतर। कपोता दो से अधिक कबूतर। सैनिक है एक सैनिक। सैनिकों दो सैनिक। सैनिका तीन सैनिक या तीन से अधिक भी हो सकते हैं। वृक्ष है एक वृक्ष। वृक्षों दो वृक्ष। वृक्षा बहुत सारे। बालक पढ़ती, बालक पढ़ता है। बालकों पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं। बालका पढ़ती, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। शस्क खाती एक जो खरगोश खाता है। शस्को खाता है दो खरगोश खाते हैं। शस्का खाती बहुत सारे खरगोश खाते हैं। छात्र क्रीड़ती एक छात्र खेलता है। छात्रों क्रीड़ती दो छात्र खेलते हैं। छात्रा क्रीड़ती बहुत सारे छात्र खेलते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे दिया गया चित्र दृष्टवा, चित्र दृष्टवा नाम लिखे थे ये। तो ये क्या था, सूर्य है। ये क्या था, काक है। उष्ट्र है। मुस्क है। सोचिक है। आपने हैं। गज है गजो गजा है। मयूर है मयूरो मयूरा है। क्रीडके क्रीडको क्रीड छात्र छात्रो छात्रा है, ठीक है। नीचे दिया गया चित्र उष्ट्र बालका पठंती। शस्क खादंती। अश्वा धावंती, ठीक है। और नीचे इनको पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का पूरा पाठ जो मैंने आपको पढ़ा दिया। तीसरा पाठ अपन कल या परसों करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूले। और इससे पहले पहला जो पार्ट है इस वीडियो का आई बटन में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।